कि आपकी वापसी के साथ साथ क्या और भी मुस्लिम चेहरे जो थे वो उनकी वापसी होगी और जो मुस्लिम छिटक गया था बसपा से वो वापस आएगा? देखिए, मुस्लिम धीरे धीरे वापस आएगा, जो छटक गए थे वो भी सब, जैसे मैं आया हूँ ऐसे वो भी लोग भी आएंगे। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता वो ईमानदारी से, दिल और दिमाग से बहुजन समाज पार्टी का, भले ही चाहे वो घर पड़ा किसी बात को लेके, या बहन जी ने, मुझे तो बहन जी ने निकाला था, तो चाहे वो बहन जी ने निकाला पार्टी से या खुद अपने किसी गलती से निकला हुआ, लेकिन रहेगा वो दिल और दिमाग से बहुजन समाज पार्टी का ही। वो चला जा कहीं भी, आना उसे वापस बहुजन समाज पार्टी में। तो अब एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार है मुस्लिम? आएगा, मेहनत करेंगे, बिल्कुल आएगा। 2007 में था, 12 में था मुस्लिम साथ में, जब भी तो 12 में 4 जीते थे, वही 24 में रिजल्ट देखना। उत्तर प्रदेश में इससे बढ़िया, इससे मजबूत गठबंधन है ही नहीं। जिस दिन दलित मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, कौन रोक रहा है इनको? बहुजन समाज पार्टी के क्या सिद्धांत है, क्या मिशन है, ये सारी जानकारी मुस्लिमों में नहीं चला पाए। ये बड़ा कारण रहा, ये बड़ा कारण रहा। अब वो भी अनभिज्ञ रहे, उन्हें भी जिधर को रास्ता नजर आया चल दिए, लेकिन रोकने वाला तो कोई नहीं था उन्हें। भाई उनको रोकने वाला भी तो चाहिए, समझाने वाला भी तो चाहिए। भाई तो आप लोग कर क्या रहे हो, भाई कहाँ जा रहे हो? Jai Bheem app, available on the Play Store and Apple App Store now. नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त गाजियाबाद के BSP ऑफिस पर मौजूद हूं और मेरे साथ पूर्व विधायक वहाब चौधरी हैं, जो मुरादनगर से विधायक रहे थे। वहाब चौधरी की 5 साल बाद बसपा में फिर से वापसी हो गई है और इसी वापसी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि अब मुस्लिमों को लेकर एक तरह से लामबंद हो रही है BSP, उसी को लेकर हम आज बात करेंगे। वहाब चौधरी जी, क्या लगता है आपकी वापसी के साथ मुसलमानों के लिए क्या अवसर खुलकर आ जाएगा बसपा में? नहीं, धीरे धीरे मुसलमानों में काम करेंगे। अभी तक पार्टी ने मुसलमानों में काम भी नहीं किया था, पार्टी कार्यकर्ता भी खड़े नहीं करे थे। जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ता थे, उनको किसी ने सम्मान नहीं दिया, वो घर पर बैठे रहे, काम नहीं किया, जिसका नतीजा चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो प्रभारी जो थे वो शमसुद्दीन राइन थे, मुस्लिम चेहरा था। देखिए, शमसुद्दीन राइन साहब कभी समाज के बीच में नहीं गए, और हम लोग कहते भी रहे जबकि हम पार्टी में नहीं थे, लेकिन बहन जी नेता हमारी, हम 5 साल किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए, घर पर रहे, पार्टी का ही काम करते रहे। लेकिन ये नहीं था कि भाई हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। शमसुद्दीन राइन साहब से भी एक दो बार मिले, कहा भाई कुछ पदाधिकारी बना दो, मुस्लिम समाज में जाएं, वर्क करें, मेहनत करें, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं बना पाए। कोई मुस्लिम सम्मेलन नहीं हुआ, मुस्लिम मीटिंग नहीं हुई, कुल मिला के मुस्लिमों में वर्क काम नहीं हुआ। अनदेखी हुई, मतलब 5 साल अनदेखी। अब क्या लगता है आपको कि आपकी वापसी के साथ साथ क्या और भी मुस्लिम चेहरे जो थे वो उनकी वापसी होगी और जो मुस्लिम छिटक गया था बसपा से वो वापस आएगा? देखिए, मुस्लिम धीरे धीरे वापस आएगा, जो छटक गए थे वो भी सब, जैसे मैं आया हूँ ऐसे वो भी लोग भी आएंगे। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता वो ईमानदारी से, दिल और दिमाग से बहुजन समाज पार्टी का है, भले ही चाहे वो घर पड़ा किसी बात को लेके, या बहन जी ने, मुझे तो बहन जी ने निकाला था, तो चाहे वो बहन जी ने निकाला पार्टी से या खुद अपने किसी गलती से निकला हुआ, लेकिन रहेगा वो दिल और दिमाग से बहुजन समाज पार्टी का ही। वो चला जा कहीं भी, आना उसे वापस बहुजन समाज पार्टी में। ऐसा क्यों, मतलब क्या वजह क्या रही इसकी? कैडराइज जो कैडर हुआ करता था मुस्लिम समाज के अंदर वो खत्म हो गया था, अब वो शुरू हो जाए? बस यही है कि वहाँ जो कार्यकर्ता थे वो उनको सम्मान नहीं मिला, उनको घर पे जाके पूछा नहीं, इसलिए वो निष्क्रिय घर पे पड़े रहे, समाज के बीच में गए नहीं, और जो शीर्ष नेतृत्व था उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ चूक रही हैं, कमी रही हैं, उन्हें अब दूर करेंगे। तो क्या उम्मीद जता रहे हैं अब की बार? जो समीकरण होने चाहिए थे दलित मुस्लिम के, तो क्या लगता है कि अब की बार 2022 में कुछ रिजल्ट आएगा? दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है, इससे बड़ा समीकरण तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। और आप 27 तो बहुत दूर है, 24 में इसका रिजल्ट देख लें, 24 में इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। तो क्या लग रहा है आपकी कि अब जो है तैयारियां 2024 की शुरू कर दी हैं इस समीकरण? बिल्कुल बिल्कुल, दलित और मुस्लिम अटूट तरीके से जुड़ेगा, एक तरफा जुड़ेगा, जो संगठन साथ में था वही सब सिचुएशन आके खड़ी होगी।
अब दूसरा बड़ा चेहरा है, पहले गुड्डू जमाली की वापसी हुई है और आज आपकी वापसी हुई है, अब जो तमाम जो मुस्लिम चेहरे रहे हैं बीएसपी में उनकी भी वापसी होगी, तो क्या लगता है कि जो अब मुस्लिमों का जो एक विश्वास था बीएसपी पर वो लौट कर आएगा? बिल्कुल आएगा, 12 में 4 विधायक जीते थे गाजियाबाद से, अब वो सब वापसी आने हैं, उसका रिजल्ट 24 में नजर आ जाएगा आपको। बाबू मुनकाद अली के नेतृत्व को कैसे देख रहे हैं आप? बाबू मुनकाद अली मिशनरी आदमी है, बिल्कुल कट्टर बसपाई है, रग रग में उनके बसपा दौड़ रही है और बहुत अच्छे, मतलब स्वभाव से भी बहुत अच्छे, सम्मान देते हैं कार्यकर्ता। अच्छा, आपकी जो आपके निजी संबंध जो हैं वो नसमुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या वही वजह थी कि आप नसमुद्दीन सिद्दीकी के बाद जब उन्हें पार्टी से निकाला गया था तो उनके साथ भी देखे गए थे, क्या यही कारण रहा था आपके निकलने का? नहीं, उसमें कुछ हमारी भी कमी थी, उसके बाद में हमने नगरपालिका का चेयरमैनी का चुनाव लड़ा था तो उसमें हमारी भी कुछ कमी रही, जो पार्टी ने देखा कि हाँ बाकी कमी है कुछ, उसमें बहन जी हमसे नाराज भी रही और सही भी था भाई, एक कार्यकर्ता को थोड़ा सा टाइट करना भी ठीक था, इसलिए हमें टाइट कर दिया और क्या है, कोई घर छोड़ कर थोड़ी गए थे हम। तो अब एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार है मुस्लिम? आएगा, मेहनत करेंगे, बिल्कुल आएगा। 2007 में था, 12 में था मुस्लिम साथ में, जब भी तो 12 में 4 जीते थे, वही 24 में रिजल्ट देखना, उत्तर प्रदेश में इससे बढ़िया इससे मजबूत गठबंधन है ही नहीं, जिस दिन दलित मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आ गया कौन रोक रहा है इनको। तो कमी कहाँ रह गई है, क्या जरूरत है? मैं कमी रह गई है थोड़ा सा, शीर्ष नेतृत्व ने जो जैसे राइन साहब को लगा रखा था, उन्होंने समाज में काम नहीं किया, समाज में कार्यकर्ता खड़े नहीं करे, बहन जी की नीति रीति बसपा के संगठन में जाकर उन्होंने नहीं बताई कि बहुजन समाज पार्टी के क्या सिद्धांत है, क्या मिशन है, ये सारी जानकारी मुस्लिमों में नहीं चला पाए। ये बड़ा कारण रहा। अब वो भी अनभिज्ञ रहे, उन्हें भी जिधर को रास्ता नजर आया चल दिए, लेकिन रोकने वाला तो कोई नहीं था उन्हें भाई, उनको रोकने वाला भी तो चाहिए, समझाने वाला भी तो चाहिए भाई, तो आप लोग कर क्या रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? तो आज वापसी हो गई है, आप एक प्रखर वक्ता भी हैं, तो आज के बाद से क्या शुरुआत होगी बसपा के लिए? कहाँ वक्ता हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ 5 साल में बोलना ही भूल गया देखो। मैंने अक्सर मंचों से देखा आपकी शायरी आपकी अच्छी है। नहीं, अच्छी है सुना दीजिए इस भाई। आज मैं 5 साल में बोला हूँ, सही पूछो तो 5 साल से घर पे था, और ये कभी कभी जैसे हमारे वकील साहब खड़े, इनको जिला अध्यक्ष जी को फोन करता था, अरे मन की भाई मैं भी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कभी राजनीति नहीं करी, मैं तो भूल गया राजनीति करनी, लेकिन आज अच्छा लगा, अपने परिवार में आ गया हूँ, अपने लोगों में आ गया हूँ, इसलिए मन कर रहा बोलने का आपको भी बाइट दे दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहाब चौधरी की वापसी ने एक बार फिर से तय कर दिया है कि मुस्लिमों का पुराना प्लेटफॉर्म बसपा पर मुस्लिम पूरी तरह से विश्वास करेगा और रिजल्ट 2024 में इसका देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।